नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं Redmi Note 7 की अनबॉक्सिंग आपको दिखाऊंगा और इसी के साथ जो कि इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा आपको दिया जा रहा है उसके कुछ फोटोज के शॉट्स दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है Redmi Note 7 का बॉक्स जिसमें नीचे की तरफ Redmi Note 7 लिखा हुआ है, ऊपर की तरफ लिखा हुआ है 18 मंथ्स की वारंटी, जो कि आई थिंक काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आपको यहाँ पर 18 महीनों की वारंटी इसमें मिल जाती है, ये इसमें काफ़ी अच्छी बात है। अब चलिए मैं बॉक्स के पीछे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है स्नैपड्रैगन 660, डिस्प्ले 6.3 इंचेस की, कैमरा इसमें है 48 मेगापिक्सल का और बैटरी है इसमें 4000 mAh की। सो गाइज, अभी ये चाइना में ही लॉन्च हुआ है इसलिए मैंने एक चाइनीज वीडियो को उठाकर ही आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सो सॉरी गाइज फॉर दैट। अब चलिए मैं आपको बॉक्स के अंदर दिखा देता हूँ आपको बॉक्स के अंदर आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको मिलेगा एक सिलिकॉन केस जो कि काफ़ी अच्छा है। मतलब अब आपको जो नए मोबाइल हैं उनमें आपको सिलिकॉन केस भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको मिलेगा मोबाइल जो कि अगर आप देखेंगे तो मेरे मोबाइल का कलर है ब्लू। आपको जो मोबाइल है वो सिर्फ तीन ही कलर में मिलेगा, ब्लू, ब्लैक एंड ट्वाइलेट गोल्ड। सो ये भी इसमें काफ़ी अच्छा है। अब चलिए अब अगर मैं आगे बात करूँ तो इसमें आपको मिलेगा एक चार्जर, चार्जर्स में क्विक चार्जिंग सपोर्ट करता है क्योंकि ये जो Redmi Note 7 है, Redmi Note 7 Pro, ये आपको मिलेगा टाइप सी केबल के साथ। मतलब इसमें USB 2.0 टाइप सी केबल आपको दी जा रही है। सो गाइज, इसी के साथ ये क्विक चार्जिंग सपोर्ट करेगा और आपका फ़ोन कुछ ही मिनटों में काफ़ी फास्ट चार्ज हो जाएगा। मतलब आपका फ़ोन फुल चार्ज होने के लिए सिर्फ 1.5 से 2 घंटे लेगा या फिर मे बी 1 से 1.5 घंटा तक लेगा। सो इसमें काफ़ी अच्छा है। अब चलिए फ़ोन की बात करते हैं। फ़ोन की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो फ़ोन में आपको जो डिस्प्ले है वो मिलेगी 6.3 इंचेस की, जिसका जो रेजोल्यूशन है वो है 1080x2340 पिक्सल्स का। अब इसमें जो टच है वो आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ आपको यहाँ पर देखने में मिलता है, जो कि आई थिंक इसमें काफ़ी अच्छा है। अगर आप फ़ोन के बैक की तरफ देखेंगे तो आपको मिल जाएगा एक बहुत ही अच्छा फिंगरप्रिंट सेंसर और मिलेगी आपको डुअल LED फ्लैश, जिसमें मतलब काफ़ी अच्छी है। डुअल LED फ्लैश आजकल काफ़ी फ़ोन में आ रही है और इसमें आपको 3.5 mm जैक है वो भी आपको देखने में मिल जाएगा। अब चलिए अगर फ़ोन की बात की जाए तो फ़ोन में अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये सिर्फ आपको Redmi की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब ये इस बार जैसे हम अगर आप फ़ोन को ऑन करते थे उसमें मी लिखाता था, लेकिन अब इसमें Redmi लिखाएगा क्योंकि ये Redmi की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। अब चलिए फ़ोन में मैं आपको सबसे खास जो फीचर है इसका वही दिखा देता हूँ। मतलब जो फ़ोन है उसमें 48 मेगापिक्सल का आपको कैमरा दिया जा रहा है, जिसका जो अपर्चर होगा वो है 1.8 का। मतलब इसमें आप काफ़ी लो लाइट में भी बिल्कुल अच्छी फोटोज खींच पाएंगे। सो गाइज, इसमें आपको ये PDAF के साथ आता है, मतलब PDAF मतलब फेस डिटेक्शन आफ्टर फोकस, जो कि मतलब आपकी जो फ़ोन का जो कैमरा है वो काफ़ी अच्छे से फोकस ले पाएगा। और इसमें दो कैमरा है, डुअल कैमरा है, तो मतलब एक है 48 मेगापिक्सल का और दूसरा है 5 मेगापिक्सल का। जो 5 मेगापिक्सल का कैमरा है उसका अपर्चर 2.4 है और इसमें डेप्थ सेंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब ये डेप्थ सेंसर ही है। तो चलिए अब इसमें जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो आपको मिल जाएगी 1080p पर, जो कि आपको 3 FPS में अलग अलग में मिल जाएगी। एक होगा 30 FPS, एक होगी 60 FPS और एक होगी 120 FPS। 120 FPS पे आप काफ़ी स्लो मोशन वीडियो बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। जो आपका फ्रंट कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल का, जिसमें भी आप 1080p की फुल HD वीडियो बना सकते हैं, मतलब 1080p की HD वीडियो बना सकते हैं एट 30 FPS। अब यही है फ़ोन के जो फीचर्स जो मैं आपको दिखाना चाहता था, मतलब यही आपको फ़ोन में जो कुछ आपको फीचर्स मिल जाएंगे। सो गाइज, अब मैं चलिए आपको इसके फ़ोन के साथ जो शॉट्स लिए गए हैं 48 मेगापिक्सल कैमरा से वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।